नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा। सोनिया, अखिलेश और स्टालिन सहित एक मंच पर दिखे कई विपक्षी नेता। जानिए पूरा मामला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्षी दलों के नेता बीते शनिवार को दिल्ली में डीएमके कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर एक मंच पर नजर आए। डीएमके पार्टी प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कार्यालय का उद्घाटन किया और यहां पर एक रणनीति बनाई गई कि कैसे 2024 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया जाए और सत्ता से बेदखल किया जाए। ये दोस्तों इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही थी, देख सकते हैं। इस बैठक में भाजपा और अन्य गैर यूपीए दलों के शीर्ष नेता भी शामिल थे। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।